हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मुझे कल बहुत अच्छी पालक मिली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पालक। और वो लेकर आई मैं फ्रेश, और धनिया भी बहुत अच्छा, वो जो देसी धनिया बोलते हैं ना, एकदम मस्त खुशबू आती है वैसा वाला लेकर आई। तो बनानी उसकी चटनी फिलहाल लेकर बैठी हूँ, और बनाए लौकी के कोफ्ते। काफ़ी टाइम से बनाए नहीं थे, मैंने सोचा बहुत अच्छी लौकी मिली तो ऐसे चलो लेकर चलती हूँ और बनाती हूँ। क्योंकि उसकी जो करी होती है ना लौकी की कोफ्ता की ग्रेवी के साथ वाली जो सब्जी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, स्पेशली पराठों के साथ। मुझे बहुत पसंद है, इवन मुझे तो कोफ्ते भी बहुत पसंद है। जो तो बनी है सब्जी आज उसकी, और सुबह अभी मैंने ये बनाई टिफ़िन में, सुबह बैंगन की सब्जी बनी थी, क्योंकि बैंगन भी बहुत अच्छे मिले थे। लेकिन थोड़ा देर से गई थी रात में, तो बैंगन में गड़बड़ हो गई, क्योंकि तीन बैंगन में वो जो होते हैं ना इस तरह से कीड़े बैठ गए होते हैं, वैसे वाले निकले। तो ये देखिए, दिख रहा है ये छोटा सा ये, और अगर इसको मैं काटूंगी ना तो ऐसा बहुत इतनी बड़ी तो निकलेगी, काले मुंह वाला कीड़ा इसमें से। तो ये हुआ, लेकिन धनिया और पालक बहुत अच्छी मिली, ये रही, बहुत ज़्यादा अच्छी मिली। ये देखिए धनिया कितना मस्त चमक रहा है, एकदम एकदम फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश धनिया मिला, और इसकी खुशबू भी इतनी आ रही है। जो इस तरह का होता है ना देसी धनिया, उसकी खुशबू बहुत मस्त आती है और एकदम ग्रीन है। और पालक भी इतनी ही अच्छी मिली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रेश, एकदम साफ, बहुत अच्छी मिली है पालक भी। बनी है तो बताती हूँ आपको। कल मैं, पता है, बहुत टाइम के बाद मुझे, मैं मतलब उसको पता नहीं क्या बोलते, मैं तो चॉकलेट पॉपकॉर्न बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, लेकिन अभी पता नहीं मिलते ही नहीं है। पहले पहले हम मूवी देखने जाते थे ना, वहाँ पे भी बहुत मिलती थी, और मैं अपने लिए स्पेशली लेती थी, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। तो मैं बताती हूँ आपको कोफ्ता करी। तो ये देखिए, ये है हमारी लौकी के कोफ्ता की करी सब्जी। हम तो सब्जी बोलते हैं, वैसे करी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रेवी होती है ना इसके अंदर, इसलिए ये बनी है। और मैं जो साड़ियाँ लेकर आई थी, बाकी के तो ब्लाउज सिलने डाल दिए, दूसरे सारे काम तो हो गए कि मतलब जो भी था वो सब। लेकिन गड़बड़ एक हुई है कि एक जो मैंने साड़ी ली थी ना, उसके जो अंदर जो ब्लाउज साथ में ही आता है ना, तो पन्ना बोलते हैं जो पन्ना, वो छोटा है, तो वो ब्लाउज़ मेरी साइज़ का नहीं होगा, तो अभी मुझे उसके साथ कुछ कॉन्ट्रास्ट में पहनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, और मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो गई है बहुत। और इतना प्यार, आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स सबके लिए, और मेरा सबसे ज़्यादा तो साथ देने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से बहुत ही बहुत, मतलब शायद मैं ये थैंक यू शब्दों में नहीं कह पाऊँगी, और इतना ज़्यादा थैंक यू है। बस यही चाहती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह मेरा साथ देते रहें, प्यार देते रहें, और बहुत बड़ी फैमिली हो हमारी, हमारा चैनल बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे, हमारी फैमिली बड़ी होती रहे, ऐसा मेरे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। और मेरे जो हम उम्र है उनसे प्यार, स्नेह और साथ चाहिए मुझे, तो बस अपना साथ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए, और ऐसे ही अपने अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना, ताकि हमारा बस चैनल और आगे, हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो, और बहुत ज़्यादा बड़ी हो। और बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, और बस इतनी खुशी है कि शायद नहीं कह पा रही हूँ मैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, कंप्लीट हुई मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी हुई है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा थैंक यू भगवान को भी कि आप जैसी अच्छी फैमिली मुझे दी, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। बस तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे सब मिलके, और हमारी फैमिली बड़ी हो और हम तरक्की करें, इसके लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बस अपना साथ और प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखें, और हमेशा मुझे इसी तरह से प्यार और मेरे पे विश्वास बनाए रखें, मुझे स्नेह देते रहें। यही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझ पर जो आज तक मेरा साथ देते आए हैं, दे रहे हैं, और इतना प्यार दे रहे हैं, बस आगे इसी तरह देते रहना, और बस बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू, और बस ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ती रहे, और हम
ऐसे ही साथ में आगे बढ़ते रहे। वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैंने बनाए मेरे फेवरेट गुलगुले, और बहुत लेट हो गया। आजकल हम लोग जा रहे हैं क्लासेस के लिए, स्पेशली ध्रुवी की क्लासेस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसका टेंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छे क्लास कोचिंग क्लासेस के लिए बहुत लेट हो जाता है। फिर भी मैंने कहा चलो इतनी बड़ी खुशी है और उसको सेलिब्रेट ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बनाए मैंने गुलगुले और ये गुलगुले, और आप सबको भी मेरी तरफ से ये मीठे मीठे बनाकर खाइए घर में। और हमारी YouTube फैमिली बड़ी हुई है, उसी को मनाएं हम, सेलिब्रेट करें, और बहुत अच्छी बात है। तो खाने में बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैंने सिर्फ पोहा बनाया, क्योंकि और ध्रुवी का भी मन था, बोले बहुत दिनों से मम्मा पोहा नहीं बनाया, पोहा ही बना दो। वैसे कोई सोचता होगा डिनर में कौन पोहा खाता है, लेकिन जब इस तरह का हो, वैसे भी गुनगुले अथू को इतने पसंद है कि वो घूमते फिरते खा रहा है, वो उसने ओ भाई गिर रहे हैं, पोहा बन रहे हैं, और अथु ने ये देखो मास्टरी करते हुए गिरा दिए, ये देखो मास्टरी कर रहा है। बन चुके पोहा, पहले पोहा खाए जाए, पेट बहुत भूख लगी है, पेट पूजा की जाए, और उसके बाद लेकर आए हम केक, छोटू सा केक लेकर आए, तो उसको भी काटेंगे, लेकिन उस केक को लेकर जाएंगे मम्मी के घर, वहाँ जाकर केक काटेंगे, क्योंकि शायद इस चीज़ की प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। मम्मी नहीं कहती तो शायद मैं कभी व्लॉगिंग करना स्टार्ट नहीं करती, ना ही कभी अपने कुकिंग के शॉर्ट वीडियो बनाती। तो बहुत बड़ा थैंक यू मेरी माँ को है, मेरी मम्मी को है, मेरी सब कुछ का है, ब्लेसिंग सुनी की हैं, और पेरेंट्स की, भगवान की, और आप सबका साथ, आप सबका सपोर्ट, और आप सबका प्यार, वही सब चीज़ें हमें आगे ले जाती हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, और चलो पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, और उसके बाद जाएंगे मम्मी के घर केक कट करने के लिए। बच्चों की आवाज़ तो आ रही, दिख रही नहीं है, बच्चे कहाँ गए? किरण पहले भेज देगी। थैंक यू सो मच, ये मुझे ध्रुवी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। 1000 सब्सक्राइबर्स होने की मेरी बेटी ने मुझे दिया है गिफ्ट, दिखा तो कभी, और ये रहा गिफ्ट मेरा। थैंक यू सो मच ध्रुवी, बहुत प्यारा बनाया उसने, खुद से बनाया है, और वन के लिखा है, और वन के भी लिखा है, और क्या लिखा है, हैप्पी लिखा है, हैप्पी वन के, और ये बहुत अच्छा ड्राइंग किया उसने। यस जी जी।